छः महीने के बाद हमें पता चला कि ये बच्ची कुपोषक है। मतलब धीरे धीरे जब पता चला तब इसकी दवा वा कराई। गंदी चीज़ को ना बड़े पापा बता जा। वर्ष 2018 में प्रदेश के बांदा जनपद में सैन बच्चों के समुदाय आधारित प्रबंधन के लिए एक पायलट परियोजना चलाई गई। मेल न्यूट्रिशन की समस्या को हमने मुद्दा बनाया, महिलाओं को मोबिलाइज किया और उनकी सहभागिता हम लोगों ने बढ़ाई। इस पायलट परियोजना के आधार पर बांदा जिला प्रशासन द्वारा सैन बच्चों के बचाव एवं प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई गई, जिसे बांदा सुपोषण कार्यक्रम का नाम दिया गया। कार्यक्रम की रणनीति के तहत की जाने वाली गतिविधियों को समुदाय एवं स्वास्थ्य केंद्र स्तरों पर लागू किया जा रहा है। सैन बच्चे की पहचान से लेकर प्रबंधन तक के चार मुख्य कदम हैं। एक, सैन का चिन्हीकरण। प्रत्येक चरण की शुरुआत आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सैन चिन्हांकन से होता है। इसमें सभी बच्चों का वजन लिया जाता है और उम्र के अनुसार कम वजन अथवा अल्प वजन के बच्चों की अधिकृत लंबाई अथवा ऊंचाई नापी जाती है और सैम चार्ट की मदद से सैम या मैम की पहचान की जाती है। दो, सैम बच्चे का सत्यापन एवं संदर्भन। आंगनवाड़ी द्वारा चिन्हित सैम बच्चे का ANM द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर पुनः सत्यापन किया जाता है एवं सत्यापित सैम बच्चे को एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सीय इकाई पर संदर्भित किया जाता है। तीन, सैम बच्चे का चिकित्सीय प्रबंधन। आंगनवाड़ी से संदर्भित सैम बच्चे की स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य जांच की जाती है। बिना किसी चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र से आवश्यक दवाएं एवं सूक्ष्म पोषक तत्व दिए जाते हैं। अगर सैम बच्चे में किसी प्रकार की चिकित्सीय जटिलता पाई जाती है तो उसे पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRC पर उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। चार, समुदाय आधारित प्रबंधन। सैम बच्चों के साथ साथ अन्य सभी कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित 7 दिवसीय बाल पोषण स्तर के माध्यम से पोषण संबंधित प्रबंधन प्रदान किया जाता है। इस स्तर के दौरान ICDS पोषार एवं अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए पौष्टिक विधियों का प्रदर्शन किया जाता है एवं बच्चों को खिलाया जाता है। सब दिन मिलती है, जैसा है रेलुआ है, तरोई है, कद्दू है। पहले नहीं खाती थी, फल फेंक देती थी, सूखा सूखा बनाती थी, मतलब पकता नहीं था, नहीं खाती थी। अब जो सब खा लेती है। माँ को हम सलाह देते हैं, पालक है, हरी सब्जी, लौकी है, आप इनको खाइए तो उसका बच्चा हरी श्रेणी में आ जाता है।